ट सबसे पहले जिस को हम डिस्कस करेंगे वो हेड प्रोटेक्शन हेड प्रोटेक्शन जैसा है इसकी प्रोटेक्शन कैसे हम कर सकते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड प्रोटेक्शन की हिस्ट्री अगर देखी जाए अमेरिका में तो ये नाइनटीन से पहले नहीं थी और इंट्रोड्यूसडीन नाइनटी दी हार्ड फर्स्ट यूज फॉर हेड प्रोटेक्शन इन एंड इंडस्ट्रियल बाई तक अगर देखा जाए वर्ल्ड वार वन में अक्सर लोगों ने हेलमेट्स पहने हुए थे हेड्स को बचाने के लिए और ये वार वन थी बेसिकली वर्ल्ड वार वन उसके बाद बाकायदा इस चीज़ को यूज़ किया जाने लगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि जो हेड इंजरी है उसे काफ़ी हद तक बचा जा सके उसके बाद जो पॉइंट है वो आई एंड फेस प्रोटेक्शन फेस प्रोटेक्शन से पहले आई प्रोटेक्शन है आई प्रोटेक्शन के लिए जो कामन आपको मालूम है आई ग्लासेस यूज हो रहे हैं ये सारे बंदे से फैमिलियज हैं आई एंड फेस प्रोटेक्शन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेफ्टी ग्लास आपको इस चीज़ का भी इलम है कि जब कोई शख्स वेल्डिंग करने लगता है तो अपने फेस के सामने वो ग्लास रख लेता है वो जो शीशे का ग्लास है वहाँ पे वो उसके मुकम्मल फेस को प्रोटेक्ट कर रहा है और टिपिकली जो कि आइस के ऊपर उसने ग्लासेज पहने हुए हैं वो आई ग्लासेज उसकी आइस को प्रोटेक्ट कर रही हैं अब यहाँ पे जिस चीज़ का मकसद है बयान करने का वो ये है कि आपकी जो सेफ्टी है वो गूगल्स फेस शील्ड की वजह से काफी हद तक आप इससे बच सकते हैं अगर कोई ज्यादा आके आपके फेस को आंख को डैमेज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता क्यों कि आपने फेस के ऊपर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यूज कर लिया और आइज के ऊपर गूगल या आई ग्लासेज पहन लिए इम्पैक्ट एंड एक्सिलेशन है फर्स्ट एड फॉर आई इंजरीज अगला क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि अगर किसी किस्म की कोई आई इंजरी अगर हो गई है तो उसको हाउ यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन अगर वो नॉर्मल सी है कोई केमिकल वगैरह आंख में चला गया है तो 15 से 20 मिनट पानी आपने डालनी है आंखों पे और आंखों को खोल के उसमें डालना है हो फुली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी अगर फिर भी वो प्रॉब्लम वहाँ पर है तो आप आइज़ को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे ऐसा ना हो कि वो जो प्रॉब्लम आप यहां के अंदर चली गई है या कोई चीज़ उसके अंदर है उसकी वजह से वो आँख ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड टू पॉइंट्स हैं वो ये हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी अगर आप इस चीज से अवॉइड करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ बयान किया है कि आइस को रब नहीं करना प्रेस नहीं करना पंद्रह से तीस मिनट पानी से वॉश करना है काफी हद हाँ तक आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इम्पैक्ट एंड ऑफ फूड प्रोटेक्शन आपको मालूम है कि फुट के बगैर आप मूवमेंट नहीं कर सकते फुट प्रोटेक्शन के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जैसा कि ट्वेंटी नाइन नाइनटीन वन जीरो प्लस पॉइंट वन थ्री टू ये बेसिकली फुट को ही डील कर रहा है और फुट के मुतल ख़ास तौर पर फुट इंजरी को डील कर रहा है देर आर ओवर वन लैक एटी थाउजेंड फुट एंड टू इंजरीज इन दर्क प्लेस ईच ईयर एक लाख अस्सी हज़ार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फुट इंजरी हो जाती हैं क्योंकि पाओं में या टू तो, जो आपका नाखून है आपका जो अंगूठा है आपका जो पहले वाली मेन मोटी फिंगर है उसके हवाले से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है ट्वेंटी ऑब्जेक्ट kind of इसी चीज का आपके पाओ पर गिर जाना कंप्रेशन वेन रोल्ड ओवर बाय आर प्रेस बिटवीन हैवी ऑब्जेक्ट किसी चीज का आपके पाँव पे से गुजर जाना पंक्चर्स टू दोल ऑफ द फुट या आपके पाँव के नीचे जो तली है आपकी जिसको सोल हम कहते हैं उसके ऊपर को प्रॉब्लम हो जाए तो ये भी पाओं के अंदर प्रॉब्लम ही शुमार होगी अब अगर इसके लास्ट एस्पेक्ट को डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो इसमें यह बयान किया गया है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट आपकी कोई हीट या इलेक्ट्रिसिटी पाँव के जरिए ये पाँव में चली जाती है इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम कंटेक्ट विद एन एनर्जाइज कंडक्टिंग मटीरियल ये वजह हो सकती है स्लिप्स ऑन अनस्टेबल वॉकिंग सरफेस अनस्टेबल वॉकिंग सरफेस है कि जो जमीन है उसकी सतह हमवार नहीं है आप उस पर चल रहे थे अब गिर गए पाँव पे मोच आ गई ये वजह हो सकती है हार्ट लिक्विड पानी लिक्विड है जो कि हार्ट है पाँव में चला गया मेटल से प्लास्ट इंटू शूज और बूट्स उनमें वो चीज चली गई टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया नीचे से जो कि पाँव के, के जरिए आपने फील किया ये वो मुमकिन रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी हद हाँ तक फूड प्रॉब्लम हो सकती है और इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें एस ओ पी फॉलो करने चाहिए जब एस ओ पी फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक का फूड प्रोटेक्शन कर सकते हैं